रविवार को नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स मेन्स एसोसिएशन ने बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ नोएडा सेक्टर 15 में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में करीबन 60 से 70 लोग मौजूद थे और सभी की यही गुहार थी सरकार से कि उन्हें उनका घर जल्द से जल्द मिल जाए। हमारा यह है, हमारे यह कि अगर पूर्ण बहुमत से हम सत्ता बना सकते हैं तो पूर्ण बहुमत से गिरा भी सकते हैं हम लोग। ये ना चले कि आज पूरी लहर चल रही है, आज हमारी मेहनत का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर और उस मेहनत के पैसे को खाया जा रहा है बिल्डर के थ्रू। और टैक्स लेते हुए जेटली जी को नहीं लगता कि हमें टैक्स देना चाहिए, लेकिन घर लेते हुए बोलते हैं कि हमें इन्हें घर मिलना चाहिए। हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। जेटली जी, मोदी जी, बाहर आओ, अपने घरों से बाहर आओ। हमदर्दी बहुत हो गई थी, हम लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, किसानों का टैक्स माफ किया जाता है, हमारी ईएमआई क्यों नहीं माफ करते हैं लोग? क्या हम लोग इंसान नहीं है क्या? हमारा मेन यही है कि मुद्दों पे एक्शन कब लिया जाएगा, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो। सरकार दिया जा रहा है कि हम सबकी बात सुने, क्या वो झूठा आश्वासन? क्या जिस तरह से मेरा मेन मतलब ये है, जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या ये आश्वासन झूठा है? एकदम। क्या ये सिर्फ वोट लेने की रणनीति है यहाँ पर? झूठा आश्वासन है बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पीसफुल एजुकेशन हो रही है, इसके अंदर पुलिस है और ये हमारा रास्ता बताने की कोशिश कर रही है। घर खरीदारों का कहना है कि उनसे जबरन मेंटेनेंस चार्जेस वसूले जा रहे हैं। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने रियलिटी मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सीबीआई को नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर्स के संबंध की जांच पड़ताल करनी चाहिए और जो बिल्डर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो फ्लैट बायर परेशान है 10 साल से घर की ईएमआई और रेंट देकर, उनका ना सरकार सुन रही है, ना प्राधिकरण सुन रही है, ना मोदी सुन रहे हैं, ना योगी सुन रहे हैं। उसके लिए आज हम यहाँ उतरे हैं सड़क पर। हमारी मांग है, डिमांड है कि जो घर की रेंट और ईएमआई से बाहर परेशान है, तो मोदी जी, योगी जी कम से कम उनके दर्द को समझते हुए जो घर की ईएमआई है उसको तत्काल प्रभाव से बैंक को रोकने का काम करें। तुरंत ईएमआई रोकना चाहिए उसको। तो हमारी आग्रह है उनसे कि जितने भी बाहर है, लाखों फ्लैट बाहर है, उनकी तुरंत ईएमआई रोक दी जाए। घर खरीदार लगातार परेशान हो रहे हैं और अब देखना ये बनता है कि सरकार की नींद कब खुलेगी। रियलिटी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।